माता पिता कभी अपने संतानों से दूर नहीं होना चाहते। कभी कभी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके हित के लिए उन्हें कठोर होना पड़ता है। किंतु दुख की बात तो यह है कि आजकल की संतान ये समझ ही नहीं पाती। ये भी तो हो सकता है ना जी, कि हम उन्हें समझा ही ना पाते हो। कठोरता के साथ साथ कोमलता का भी होना आवश्यक होता है। पालन पोषण में ये संतुलन हो, तभी संतान अच्छे संस्कार का महत्व जान पाते हैं और योग्य बन पाते हैं। माँ, जब देवी काली को इस बात का पता चला तो फिर क्या हुआ? जिनका गुणगान स्वयं महामुनि नारद करे, ऐसे दिव्य योगी की सेवा करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। माँ, वो कौन है पिताजी? देवऋषि ने उनका नाम तो नहीं बताया, पर कोई बात नहीं, अब तो हम वहां जा ही रहे हैं, शीघ्र ही पता चल जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ही खिल उठी हो, है ना पिताजी? माँ का उत्साह मुझ में आशाएं जगा रहा है। देवराज देखिए कितनी प्रसन्न है वे। हाँ अग्निदेव, अब तो मुझे भी विश्वास हो चला है कि जब माँ महादेव को देखेंगी तो शीघ्र ही उन्हें पहचान लेंगी। फल फूल तोड़ने में इतना समय क्यों लगा रही हो पुत्री? पिताजी, आपने ही तो कहा था कि वो महात्मा कई समय से तपस्या कर रहे हैं, ऐसे दिव्य योगी को कुछ फूल अर्पित करने ही चाहिए। और हो सकता है यदि वो समाधि से जागे तो उन्हें तीव्र भूख लगी हो, ऐसे में मैंने सोचा कि कुछ फल और शहद साथ में रख लेना उचित होगा। किंतु अभी तक तो ये भी नहीं पता कि वो तुम्हें अपनी सेवा का आज्ञा देंगे भी या नहीं। यदि देवी तो जिस क्षण से वो मुझे आज्ञा देंगे उसी क्षण से मुझे उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए ना। सत्य तो ये है कि न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिलने वाला है। आज मुझे अपने भीतर ऐसी शक्ति का अनुभव हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। देवी, जितनी उत्सुकता आपको है महादेव से मिलने की, उतनी ही उत्सुकता से हम भी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितना अद्भुत होगा वो क्षण। देवी, शैल पुत्री को तो महादेव से भेंट किए बिना ही अपने भीतर शक्ति का अनुभव हो रहा है। बस
बस अब तो एक ही प्रार्थना है, इनके निकट आते ही महादेव को भी आभास हो जाए कि इनकी प्रिय देवी सती अपने नए अवतार में उनके पास फिर से लौट आई है। अब चले पुत्री, विलंब हो रहा है। जी पिताजी, आई। हर बीतते क्षण के साथ मेरा विश्वास और दृढ़ होता जा रहा है देवराज। ये दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे में छिपे अपने अंश, अपने प्रेम को अवश्य ही पहचान लेंगे। और जब ऐसा होगा तो महादेव अवश्य ही सक्रिय हो उठेंगे। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मुनिवर बिल्कुल सत्य कह रहे थे पिताजी, ये योगी तो बहुत ही महान है। इनकी दिव्यता का आभास मैं यहाँ से कर पा रही हूँ। नारायण नारायण। ठहरो, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं मुनिवर के दर्शन कर उनकी आज्ञा लेकर आता हूं। महायोगी तो बहुत ही गहन समाधि में है, उन्हें जगाना उचित होगा। पिताजी को गए हुए कुछ ही क्षण हुए हैं, अभी से मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे कितना समय बीत गया हो। अब और प्रतीक्षा करना मेरे लिए संभव नहीं हो रहा। देवी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां तो याद नहीं, किंतु जिस मिलन की एहसास ही इतनी मनमोहित है, भूषण कितना मनमोहक होगा। कर चरण कृतम वाकायजम कर्मजम हितम वा सर्वमेकष्मस्व विहितम विहितम वा सर्वमेकष्मस्व जय जय करुणाभे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाभे श्री
बस बस अब कुछ ही क्षण और, शीघ्र ही महादेव मां को पहचान लेंगे और शीघ्र ही होगा इस सृष्टि के कल्याण का आरंभ। प्रभु, जिस क्षण की प्रतीक्षा हम आतुरता से कर रहे हैं, अंततः वो क्षण आ ही गया। बहुत अधिक समय हो गया है, मां और महादेव कब देखेंगे एक दूसरे को? और कब पहचानेंगे एक दूसरे को? ये दोनों तो एक दूसरे के मुख की ओर देख ही नहीं रहे हैं। ना ही मां महादेव के चरणों से अपनी दृष्टि हटा रही है और ना ही महादेव पूर्णतः अपनी आंखें खोल रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महायोगी ने इस कंदरा को अपने ध्यान के योग्य समझा और मेरी इस राज्य की भूमि को अपनी साधना के लिए चुनकर उसे पवित्र कर दिया। हे योगीराज, मैं हूं पर्वतराज हिमवत और ये मेरी सुपुत्री है काली। काली 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 अब पहचानेंगे महादेव मां सती को, अब अवश्य ही उनकी उपस्थिति का आभास होगा इन्हें। हे योगीराज, मेरी तरह मेरी सुपुत्री पर भी इस भूमि का ऋण है। मेरी आपसे एक विनती है कि आप इसे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। आपके वचन प्रार्थना होते हुए भी मेरे ध्यान में व्यवधान का कारण बन रहे हैं पर्वतराज। धन्यवाद, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये क्या कह रहे हैं महादेव? पहचानिए, सती स्वयं है सामने। आपके वचन प्रार्थना होते हुए भी मेरे ध्यान में व्यवधान का कारण बन रहे हैं पर्वतराज। धन्यवाद, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। महादेव ने तो मां शैलपुत्री को देखे बिना ही अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। इन्हें तो सेवा करने से ही मना कर दिया, अब क्या होगा मुनिवर? यदि महादेव दृढ़ निश्चयी है तो शैलपुत्री भी शक्ति स्वरूपा है, और यदि शक्ति अपने मन से कुछ करना चाहे
तो उन्हें कौन रोक सकता है। नारायण नारायण। चलो पुत्री महल चले। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, नहीं पिताजी। शैल पुत्री का स्वर। अब देखना यह है कि महादेव इस स्वर को पहचान पाते हैं या नहीं। महादेव ने माता सती के स्वर को भी नहीं पहचाना। किंतु योगीराज अगर नहीं चाहते कि कोई उनकी सेवा करे तो तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? भले ही इन्हें मेरी सेवा की आवश्यकता ना हो पिताजी, पर जब से मैं यहाँ आई हूँ और इनके कमल चरणों के दर्शन किए, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सौभाग्य का मार्ग इनके चरण धूलि से होकर ही निकलेगा। अब ये सेवा मैं इनके लिए नहीं अपने लिए करूंगी पिताजी। मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे यही रुकने दीजिए। सती के हृदय में महादेव को देखकर प्रेम की भावना तो अवश्य ही उमड़ रही है, किंतु महादेव का हृदय सती से वियोग के कारण इतना आघात हुआ था कि उन्होंने पार्वती की ओर दृष्टि भी नहीं की। यदि महादेव ने शीघ्र ही अपनी समाधि नहीं तोड़ी तो पता नहीं तार का सुर के आतंक से इस संसार की रक्षा कैसे होगी।